हो गई। चलो उठ, हो गया है। चलो आजा। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? और आज थोड़ा शीरो के साथ धूप सेका जा रहा है। क्या इसका नाम शीरो है और ये पोमिलियन है और अडॉप्टेड है। ये आज तक काटा नहीं है किसी को। वो बहुत क्यूट है। पास ही में एक हॉन्टेड प्लेस है, वहां जाना है। इसको लेके जाता हूँ, पर ये है थोड़ा फटीस। तो गाइस, आज जाना हो सकता है एक हॉन्टेड प्लेस है यहाँ पे। उसका क्या है क्या नहीं है, लोग बोलते तो है हॉन्टेड। और हॉन्टेड का प्लान इसलिए हुआ है क्योंकि कल रात में मैं ऐसे ही बैठे हुए मूवी देख रहा था, तो उस जो खंडर टाइप का है वहाँ बोलते हैं वहाँ भूत है ऐसा वैसा। तो आज जाके वहाँ मालूम चलेगा। और दूसरी चीज़, वहाँ बोलते हैं कि वो जो बंगलो है या महल है या खंडर है वो पहले अंग्रेजों का था, और वहाँ पे इंडियंस और डॉग आर नॉट अलाउड ऐसा कुछ लिखा था। वहाँ कई चीज़ें रिस्ट्रिक्शन हैं, और वहीं जाके मालूम चलेगा। थोड़ा मैं नाश्ता कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं अमन हॉन्टेड प्लेस। इसका मन नहीं है जाने का कहीं। भाई सब, मैं तैयार हूँ पूरी तरीके से भूतों को भगाने के लिए। पता करते हैं वहाँ भूत हैं या नहीं है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा डर भी है कि क्या होगा वहाँ। और मैंने एक दोस्त को भी बुला लिया जिसे थोड़ी ना फटी नहीं बंद दो, वहाँ जाके फटी नहीं बंद दो। और वहाँ पे देखते हैं, है खूबसूरत वो, बहुत वो महल बहुत ही खूबसूरत है और वो टूरिस्ट प्लेस होना चाहिए। क्या कैसा होगा कुछ नहीं पता, बस ज़्यादा क्रीपी ना हो, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा क्रीपी होने से मेरी पिटपिट आएगी, है ना। तो चलते हैं और दोस्तों के साथ मिलके हॉन्टेड प्लेस चलते हैं। तो गाइज, हम लोग आधे रास्ते तक आ चुके हैं और नज़ारे देखने लायक हैं यहाँ के। और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं हॉन्टेड प्लेस, और मैंने अपने दोस्तों को बुलाया जिससे थोड़ा सा हिम्मत मिले और जाने में आसानी हो। और तो कुछ नहीं, बट वहीं जाके मालूम चलेगा कितनी फटती है कितनी नहीं फटती। तो मिलते हैं वहीं पे। हम लोग आ चुके हैं सो कॉल्ड हॉन्टेड प्लेस में, और यहाँ अंदर जाके मालूम चलेगा कि ये हॉन्टेड है या नहीं है। और मेरे साथ एक तो दोस्त भी हैं, सेफ्टी ज़रूरी है। अंदर जाके पता चला मेरे को ये भूत पकड़ लिया, तो अंदर जाके मालूम चलेगा। और बहुत खूबसूरत है एक्चुअली में। और कोई भूत तो नहीं दिख रहा ना? नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा। अंदर जाके मालूम चलेगा गाइस, तो अंदर चलते हैं। सिक्योरिटी भी है और लगा हुआ है लॉक, पर बहुत खूबसूरत है यार। राणा प्रताप यहीं रहता था। वाह, खीर सूरवंशी। और ये थोड़ा सेफ तो नहीं है, पर बहुत गजब जगह है। ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे सीढ़ी है। यहाँ से जो स्टार्टिंग का पॉइंट था वो अच्छा था, पर यहाँ पे थोड़ी फट भी रही है क्योंकि ये थोड़ा जो पुल है वो थोड़ा हिल रहा है। और गाइस ये देखो पीछे, मतलब टूरिस्ट प्लेस हो जाना चाहिए ये। और ये हॉन्टेड है या नहीं है अंदर जाके मालूम चलेगा। और बहुत ही अच्छा नज़ारा है गाइस,
और थोड़ा थकाने वाला भी था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर जाता हूँ, मिलते हैं। हम लोग अंदर आ गए तो अंदर चलते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं है। सुनो तो मैटर हो जाएगा। अपन को कोई देख रहे हैं? तो ये NCC का है और गाइस यहाँ आना मना है, तो मेरी फट रही है थोड़ी। तो यहाँ अलग अलग कुत्ते हैं, पत्थर ले लो पहले। और यहाँ पे एरिया है और ये थोड़ा सा डरावना लग रहा है, मैं तो नहीं जा रहा अंदर। बस गाइस ये समझ लो खतरनाक जगह है और यहाँ आना मना है। थोड़ा यहाँ पे लिखा भी है कि खतरा यहाँ इंग्लिश हिंदी है, यहाँ पे चुनवाया गया था। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही हैं। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक जगह है, आवाज सुनी तुमने? आवाज सी आ रही है। चलते हैं भाई। अरे आवाज आ रही है ना? नहीं सुन, चलो चलो। तो यहाँ फट गई है और अंदर मत ही जाओ तो बेहतर रहेगा, और ये वर्जित भी है और हॉन्टेड जैसा थोड़ी पटी, पर वो क्या था अंदर पता नहीं, पर अच्छा लगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल रोड साइड लाइफ ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अब हिम्मत नहीं हो रही।